क्या आपने ग्रामीण भारत में यात्रा की है और दागदार दांत वाले बच्चों को देखा है कि उन्हें कम उम्र में दाग कैसे लग सकते हैं? क्या आपने लोगों को अपेक्षाकृत कम उम्र में अपंग होते देखा है? फ्लोरोसिस आज हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीमारी की वजह से लोगों में हड्डियों का मुड़ जाना, विकृत हो जाना, बौनापन और अत्यधिक दर्द और वर्षों तक बिस्तर पर पड़े रहना, महिलाओं के प्रजनन अंगों का कम विकास और बच्चों के बौद्धिक विकास में कमी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। पानी के प्राकृतिक स्रोतों में फ्लोराइड के उच्च स्तर को कम करने और इसके प्रभावों को समझने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST की एक वैज्ञानिक परियोजना के हस्तक्षेप से बिहार के 5 जिले व उनके गांव प्राथमिकता के आधार पर लिए गए, जहां पर इस बीमारी का दुष्प्रभाव अधिक था। देखा था बड़ी दर्द लहर, अब थर लगो हो गोड़ा हाथ एकदम लगो लो हवे तरे झन 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 पनिया यहाँ के खराब हो कोकी हो कोसे हवे हवे सरीदियत का तो गोड़ा नहीं चलो तो छान ले तो गोड़ा अच्छा लो तो लोग तो डरवा से मुहावरे गिरी। पहले के पानी पिया था तो किसको के गोड़ लांगड़ हो जाता था, पैर कनकनाता था। हम तो अले चार है ये हैं और लेकिन हम यही समय में हम अपना एगो पोता से बहुत दुखी थे। 10-12 साल की उम्र में ये दशा हुआ कि बायां अंग जो है से काम नहीं करता है। मेरी बेटी छोटी है, 18 साल उम्र हो गया लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। जमुई, शेखपुरा, नवादा, कैमूर, भागलपुर और अररिया में फ्लोरोसिस के निदान के लिए ये अनुसंधान परियोजना DST के सीड डिवीजन के अनुदान से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर ए शरीफ द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों में फ्लोरोसिस बीमारी को कम करने के लिए अनुसंधान करना है। फ्लोरोसिस के डायग्नोस्टिक सर्विसेज और रिसर्च हम कई दिनों से कर रहे थे और जब फ्लोरोसिस पेशेंट्स को हम टेस्टिंग सर्विसेज देने लगे, सिर्फ वही पेशेंट नहीं उनके फैमिली पूरा अफेक्टेड हो रहे थे। हमको ये नज़र आया कि ये कॉमनली सोशियो इकोनॉमिकली पुअर कम्युनिटीज़ को अफेक्ट कर रहा है और उसी टाइम पे DST ने कॉल दिया था रिसर्च प्रोजेक्ट्स का। सो उस टाइम पे हमने ऐसे कम्युनिटी को चुना जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही बैकवर्ड है और वो जो एम्स जैसे या बड़े हॉस्पिटल्स को पहुँच नहीं सकते। इस अनुसंधान परियोजना को स्थानीय सहयोग देने में AN कॉलेज पटना के फ्लोरोसिस अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर बिहारी सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए बिहार के नवादा जिले के कुछ गांवों में चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान के इन प्रयासों का लोगों पर क्या असर हुआ है। ये गांव भी देश के बाकी गांवों जैसे ही हैं, लेकिन यहां के लोग फ्लोरोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं। कारण था पानी के स्रोत में फ्लोराइड की मौजूदगी। यहां पर प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाला पानी फ्लोराइड के कारण अत्यधिक दूषित है। हमारा चापाकल का पानी अच्छा नहीं है। खाना बनाना भात तो पीला हो जाता था और पानी पीने में लोहराइन जैसा लगता है। पानी पीते थे तो खाना नहीं पचता था, पीने में अच्छा नहीं लगता था और पेट में दर्द देता था। यहाँ रहने वाले लोग इस पानी का उपयोग पीने और खाना पकाने के लिए करते थे। इस कारण फ्लोराइड उनके शरीर में पहुँच रहा था और फ्लोरोसिस बीमारी का जोखिम बढ़ रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कम्युनिटी के साथ ये है कि सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। दैट्स वाई उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं है। सो कम कंसंट्रेशन फ्लोराइड का भी अगर वो इंटेक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया दिहाड़ी मजदूरी होने की वजह से महिलाएं और बच्चे अन्य स्थानों पर नहीं जाते और अपने पैतृक गांव में ही बने रहते हैं। इस तरह से वे लगातार फ्लोराइड से संदूषित पानी के संपर्क में रहते हैं और चूंकि समुदाय में कुपोषण व्याप्त है, ये फ्लोरोसिस की गंभीरता की पुष्टि करता है और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें फ्लोरोसिस की बीमारी और बढ़ जाती है। यहाँ तो पानी के चलते दोहरी मार पड़ रही है, एगो शारीरिक रूप से, एगो आर्थिक रूप से। फ्लोराइड ज्यादा होने के कारण बच्चे यहाँ के सक्सेसफुल नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं, अपना तो भरण पोषण कर ही नहीं पाते हैं, तो
अपने माता पिता या अगले को क्या कर सकते हैं। बहुत आर्थिक स्थिति यहाँ की खराब है, दयनीय है। काम बढ़िया से नहीं कर पाता है, कमा नहीं पाता है, हफ्ता में 2-4 दिन काम किया बाकी वह परेशानी से वो घर बैठ जाता है, लाचारी है, दिक्कत है, इसके कारण नहीं जा पाता है। गांव के लोग अशिक्षा और जानकारी के अभाव में दूषित पानी का इस्तेमाल करने को विवश थे। पानी में फ्लोराइड के कारण होने वाली बीमारियों को गांव के लोग देवी देवताओं का कोप और श्राप मानते थे। उन्हें इस परियोजना के लिए तैयार करना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। यहाँ मोस्टली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, पढ़ाई लिखाई की बहुत ही कमी है और किसी भी तरह से उनको बताने पर वो बात को समझ नहीं पाते थे। हम लोगों ने घर में जा कर के एक एक लोगों को समझाया, लोगों को ये बताया गया कि आप फ्लोराइड से ग्रसित हैं और आज नतीजा ये है कि आप घर में जाकर किन्हीं से बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि सारे इस बात से वाकिफ़ है कि फ्लोरसिस से बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है। कई एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया इन लोगों को फ्लोराइड से वाटर देने के लिए, तो धीरे धीरे इन लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, ये लोग हम लोगों के साथ बीच में रह कर काम करने आए हैं लोग। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि एक दिन भी पानी नहीं आता है अच्छा पानी तो लोग हल्ला करने लगते हैं। तो इससे सुन करके बहुत खुशी होती है कि अब लोग 100% इसके मेरिट को समझ लिए हैं और इसकी मांग करते हैं। इन गांवों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस परियोजना के तहत 3 प्रकार के वैज्ञानिक हस्तक्षेप किए गए। सबसे पहले वैज्ञानिक हस्तक्षेप के तौर पर यहाँ वाटर फिल्टर लगाने की पहल की गई। इन फिल्टरों को सामुदायिक हैंड पंपों में लगाया गया है और इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारा डिपोलरेटर है एक हैंड पंप को एक पाइप के थ्रू जोड़े हैं, जो जुड़े हैं उसमें टैंक लगा हुआ है, उसमें पानी जाता है, फिल्टर होता है, उसमें एक नल लगा हुआ जो ट्रीटेड वाटर आता है। जो हैंडपम्प में लगा हुआ था अनट्रीटेड होता है, जो अनट्रीटेड होता है उसमें 5 ppm से 6 ppm 7 ppm तक आता है और जो हमारा फिल्टर पानी है या ट्रीटेड वाटर है, डिजायरेबल लिमिट 1 ppm है और परमिसेबल लिमिट 1.5 ppm है, इसीलिए हम लोग हमेशा डिजायरेबल लिमिट ही लेते हैं। हमारा जो टैंक है जो स्टोर वाटर हमारा पानी होता है जैसे 100 लीटर 150 लीटर तक उसमें स्टोर होता है, उसमें हमेशा 3 मंथ में हम लोग एलम पाउडर डालकर उसको सफाई करते हैं, उसके बाद ही पानी हम लोग हमेशा करते हैं। हम मेंटेनेंस का यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होता है, मेंटेनेंस का काम होता है या कोई किसी को कोई हाउस होल्डर को कोई चार्ज नहीं लगता है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट एम्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसका लोगों की सेहत पर बहुत ही अच्छा असर हुआ। पहले बीमारी से पीड़ित लोग जहाँ कमजोरी और हड्डियों में दर्द से बिस्तर पकड़ लेते थे, वे इस हस्तक्षेप से स्वस्थ हो गए। सिर्फ कंटामिनेटेड पानी को अवॉइड करके सेफ पानी पीने से ही काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और जब वो फ्लोराइड फ्री पानी पीने लगे उनको आधे प्रॉब्लम्स तभी खत्म हो गए थे कि जैसे बीमार महसूस करना और बहुत ही बदन में दर्द और काम पे नहीं जा सकते थे, इन लोगों को सिर्फ पानी चेंज करने में ही काफी राहत मिल गया था। इसलिए हमने इसको एम्फसाइज करने लगे कि सेफ पानी इटसेल्फ इज वर्किंग लाइक ए मेडिसिन। सरकार ने फिल्टर लगा दे, बहुत सुविधा, मीठा पानी देता, अच्छा लगता है पीने में। सब गांव के मतलब आदमी पानी थोड़ा 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 ले जा के पीता था अपना घर में जाके, तो सब फिर आदमी बोलने लगा ना ऐसे इसे जब से पानी पी रहे हैं दवा वाला पानी तो सबको दही शरीर को अच्छा लग रहा है। फिल्टर में पानी अच्छा है, फिल्टर लगने के बाद यही दर्द उर्द कम हुआ है, दांत उत पीलापन कम हुआ है, जड़ी झलक रहा है। इस परियोजना में दूसरा वैज्ञानिक हस्तक्षेप था टेलीमेडिसिन, जिसमें पीड़ित लोगों का उपचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन किया गया। बड़े बड़े डॉक्टर साहब यहाँ फोन से बात करावो थी, अच्छा है हम लोग करके दवा वो बाटल थी, सब शरीर अच्छा सुविधा है बाल बच्चा के। तीसरे हस्तक्षेप के तहत लोगों के आहार में बदलाव किया गया जिसे डाइट एडिटिंग कहते हैं। इसमें फ्लोरोसिस से पीड़ित लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से मना किया जाता है जिनमें फ्लोराइड पाई जाती है। इसके अलावा उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थ लेने की हिदायत दी जाती है जो शरीर में मौजूद फ्लोराइड को समाप्त करते हैं। अगर फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे फूड इंटेक में और वाटर इंटेक में, जो एसेंशियल मिनरल्स है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। बेस्ड ऑन दैट अब हम मल्टी मिनरल एज ए फूड सप्लीमेंट देना शुरू किया और उससे हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, कुछ रिकवरीज भी है
अर्लियर वी वर कंसिडरिंग के अगर एक बार फ्लोरोसिस हो गया, अगर कुछ डिफॉर्मिटी है इनिशियल स्टेज की, दैट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक टू द नॉर्मल। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि ग्रेजुअली वो नॉर्मलसी की तरफ जाता है, अगर हम मल्टी मिनरल्स डाइट, रिच डाइट एंड बैलेंस्ड डाइट हम देना शुरू करें अलॉन्ग विथ विड्रॉल ऑफ फ्लोराइड इंटेक। इस तरह फ्लोरोसिस बीमारी के समाधान के लिए डीएसटी की महत्वपूर्ण परियोजना के तीन प्रकार के हस्तक्षेप से धीरे धीरे गांव के लोगों ने पीढ़ियों से चली आ रही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में सुधार महसूस किया और विशेषज्ञों के परामर्श का पालन शुरू कर दिया। इन प्रयासों के कारण अब यहां के लोग अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, फ्लोरोसिस से पीड़ित बच्चे भी स्वस्थ हो रहे हैं, उनके चेहरों पर अब मुस्कान देखी जा सकती है। लोगों की सेहत में ये बदलाव विज्ञान और तकनीक के हस्तक्षेप से संभव हो पाया है। जो चटाई पर बैठता था, खाटी पर बैठता था, पैना पकड़ के बैठता था, वो आज आदमी वो चटाई भी छोड़ दिया, खाटी भी छोड़ दिया और पैना भी छोड़ दिया। आज अच्छे तरह से कमा रहा है, खा रहा है, चल रहा है। फिल्टर का पानी पीने से शरीर हल्का लग रहा है और दवाई खाने से मतलब शरीर अच्छा लग रहा है, हल्का फल्का लग रहा है, चलना फिरना पैना पर चल रहे हैं। जब ये चापाकल का पानी हम लोग को फिल्टर होकर जो आ रहा है, मीठा पानी पीने से हम लोग को बहुत तरह से आराम मिल रहा है। कोई एक दिन अगर पानी खराब हो जाता कल पूरा गांव में एकदम हाहाकाल मच जाता है, मिस्त्री को बुला करके कल बनवाते हैं, बनवा बनवा के फिर हम लोग मीठा पानी पीते हैं। इस परियोजना के परिणामों से लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है और इससे एक सशक्त और स्थायी सामाजिक आधार तैयार हुआ है। हमने पूरे कम्युनिटी को एटलीस्ट जगह दिया है कि फ्लोराइड की वजह से ये सारा प्रॉब्लम था। जो हमारा आउटकम है दैट विल बी सस्टेनेबल फॉर जनरेशंस। इस जनरेशन को हमने सेंसिटाइज किया, वो अपने बच्चों को सेव किए प्लस सेंसिटाइज किए, इस तरह से नाउ इट इज अ चेन एक्चुअली। डीएसटी की इस परियोजना से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस परियोजना के सुखद परिणाम पीढ़ियों तक बने रहेंगे।